अस्सलाम वालेकुम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 4.2। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये भी 4.1 की तरह है। 4.1 में दोनों लीनियर फैक्टर थे, इधर भी लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर की पावर 2 है, यानी कोई पावर मौजूद है, 2, 3 हो सकती है, लेकिन वहाँ सिंपल लीनियर फैक्टर थे उनकी, यानी जो पावर थी वो 1 थी, यहाँ पे क्या आ गया, पावर 2। अब कैसे इसे सिंपलीफाई करना है? सबसे पहले तो हमने वही तरीका है कि नीचे डिनोमिनेटर की पावर क्या न्यूमिनेटर के पोलिनोमियल से ग्रेटर है। ये देखें, जब ये पावर ओपन होगी ये एक्स स्क्वेयर बनेगा, एक्स स्क्वेयर, और ये एक्स क्या बनेगी, एक्स की 3, इसका मतलब ये ऊपर वाली से ग्रेटर है। अब ग्रेटर है, अब हम नाम दे सकते हैं। अगर ये लेस होती फिर हमने पहले डिवाइड करना था, अब इसे डिवाइड नहीं करना। एक्स स्क्वेयर माइनस 7, एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 2 का स्क्वेयर, एक्स प्लस 3। अब कैसे नाम देने हैं? पहले मैं नाम रखता हूँ ए, इसकी एक पावर कम लिख देता हूँ, एक्स प्लस 2। आगे बी लिखता हूँ, अब इसकी पावर ग्रेटर कर देते हैं, पहले 1 आई है, यानी ये ब्रैकेट ना डालने से मुराद 1 ही है, अब यहाँ पे आ गई है पावर 2। या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख लें x प्लस पावर, एक्स प्लस 2 की पावर 2, फिर एक लेस कर दें x प्लस 1, यानी ये स्टेप इधर काट दें, ये इधर काट दें, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो आगे लीनियर है, इसका नाम रख देते हैं x प्लस 3, ये एक्यूरियन नंबर 1 रख देते हैं। अब आपको पता है ए बी सी का आंसर वैसे ही निकालते हैं जैसे 4.1 में हमने देखा था, इसके लिए एक एक्यूरियन बनाते हैं। एक्यूरियन हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमने एलसीएम देखना है, एलसीएम यही होता है, वहाँ पे भी क्या था, लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम, यही एलसीएम है, फिर ऊपर वैसे ही आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 7 एक्स प्लस 11। ये एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, ये आपस में कैंसिल हुए, तो ए के साथ कौन सी टर्म आएगी, ये इसके साथ, ये देखें ये एक पावर इसके साथ कैंसिल, तो एक पावर बची है, वो मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये दोनों आ गए। एक साथ कौन आया, एक पावर इसके साथ कैंसिल हुई, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इसके साथ आ गया। अब बी वाली टर्म के साथ कौन सी आएगी, ये पावर 2 इसके साथ कैंसिल, तो ये आ गई एक्स प्लस 3 आ गया, एक्स प्लस 3। अब सी के साथ कौन आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये पावर 2 वाला आएगा, एक्स प्लस 2 की पावर 2। यानी ये मैंने इक्वेशन क्यों बनाई है, ये आपको पहले ही पता है, ये बनाई जाती है वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। लीनियर का आपको पता है लीनियर की कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, ये पुट करते होते हैं 0 के इक्वल, यहाँ से हम निकालते हैं ये प्लस, इधर आ गया माइनस 2, ये पुट करते होते हैं यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वेयर 7, ये माइनस 2 का माइनस 2 उसी तरह, प्लस 11 उसी तरह। अब माइनस 2 है, अब जहाँ भी प्लस 2 मिलेगा ये पूरा का पूरा पोर्शन 0, क्योंकि प्लस 2 माइनस 2 0, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 0। अब यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ बी वाली जगह पे, ये देखें यहाँ जब पुट करूँगा एक्स की जगह माइनस 2 है, ये प्लस 3 उसी तरह, यहाँ पे देखें प्लस 2 है, ये है माइनस 2, ये भी पोर्शन 0, ये भी पोर्शन क्या होगा 0। माइनस 2 का स्केयर क्या होता है 4 होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, 7 2 टाइम क्या होगा 14, ये 11 उसी तरह। अब ये देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 3 है, 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आएगा, 1 बी, बी की जगह क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी की जगह क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये 2 का स्केयर, ये आपका प्लस 7 था, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती लगी है, ये हमारे पास था प्लस 7, ये था प्लस 7, सॉरी ये था प्लस 7, ये प्लस 7, ये प्लस 7, अच्छा ये प्लस 7 था, ये प्लस माइनस 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 14। यानी दोबारा देख लें, ये क्वेश्चन था, अब आ गया लीनियर की एक पावर 2 भी होती है, अगर इस फॉर्म में हो तो एक पावर कम फिर आगे वो ग्रेटर, या ये कर लें पहले पावर 2 फिर पावर कम, तो लीनियर उसी तरह, ये आपको पता है, ये पहले भी इक्वेशन बनाते हैं, ये लीनियर हो तो पुट करेंगे 0 के इक्वल, यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये माइनस 14 है, ये 4 प्लस ये बने 15, 15 माइनस 14, तो इधर क्या आ रहा है बी, ये 3 में से 2 1 आ गया, बी 1 के साथ ये आ गया, ये आपका 1 आ गया, बी क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ से अभी इसे भी पुट करते हैं, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, पुट करें जहाँ पे एक्स है,
एक्स की जगह माइनस थ्री का स्क्वायर, सेवन एक्स की जगह माइनस थ्री प्लस अलेवन। अब ये देखें माइनस थ्री, जहाँ प्लस थ्री मिलेगा वो उसे ये ज़ीरो काट देगा, ज़ीरो एक प्लस थ्री है इसे भी क्या काट देगा, ज़ीरो। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ सी वाली जगह, ये क्या पुट करूँगा माइनस थ्री, ये प्लस टू, सी तरह ऊपर क्या है स्क्वेयर, माइनस थ्री का स्क्वेयर नाइन, प्लस माइनस माइनस थ्री सेवन थ्री टाइम ट्वेंटी वन, ये अलेवन उसी तरह, ठीक है। ये ज़ीरो ज़ीरो नाम भी लिखे हैं, सी थ्री में से टू माइनस किए तो वन, साइन ग्रेटर का माइनस वन का स्क्वेयर आएगा। अब ये नाइन प्लस ये कितना होगा, ये आपका होगा थर्टी, सॉरी ये आपका होगा ट्वेंटी, ट्वेंटी हुआ ट्वेंटी, ये माइनस वन उसी तरह, माइनस वन का स्क्वेयर होता है प्लस वन, तो ये आपका आएगा माइनस वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन, सी का क्या आ गया माइनस वन। अब सिर्फ किसका नहीं आप निकाल सकते, ये एक नई चीज़ आ गई है कि जिसका स्क्वेयर होगा उसकी हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, पीछे हम ये फैक्टर फाइंड करते थे इस तरह के, अब एक नया फैक्टर कोई ना कोई बनेगा जिसकी पावर टू होगी, उसकी आप वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। वैल्यू जब भी आपने फाइंड करनी होती है इस इक्वेशन पे आती है। अब मैं दोबारा इसी इक्वेशन पे आता हूँ, देखता हूँ इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कोएफिशिएंट कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, इसी इक्वेशन पे आता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, जब भी वैल्यूज निकालते थे यहाँ से निकालते थे, यानी ये मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स है प्लस अलेवन, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई एक्स एक्स के साथ होगा तो आएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स आएगा, अब टू की बारी, टू एक्स के साथ टू एक्स, टू थ्री के साथ आएगा तो सिक्स आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है। अब ये देखें बी एक्स के साथ तो देगा बी एक्स, बी थ्री के साथ थ्री बी, सही है, बी एक्स के साथ तो बी एक्स, बी थ्री के साथ थ्री बी। अब यहाँ भी फार्मूला ओपन होता है ए जमा बी वाला, एक्स का स्क्वेयर दूसरी टर्म का स्क्वेयर प्लस टू फार्मूले का होता है, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई होंगे तो टू एक्स आएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस अलेवन, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए एक्स स्क्वेयर, ए इसके साथ, ये देखें ये दोनों आपस में सिंपलीफाई होती हैं, ये दोनों मिलाए तो कितने बने फाइव एक्स, फाइव एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फाइव ए एक्स, इकट्ठा करके मल्टीप्लाई किया, फिर सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सिक्स ए आएगा। आगे क्या है बी एक्स है, आगे क्या है थ्री बी है, ये सी आप मल्टीप्लाई करें सी एक्स के साथ सी एक्स, टू की पावर टू फोर होता है, फोर सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फोर सी आएगा, टू टू टाइम फोर एक्स, फोर एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई होगा फोर सी एक्स आएगा। अब मैं ऐसे करता हूँ एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लेता हूँ ताकि मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ कॉमन लेना चाहता हूँ, बताता हूँ कॉमन क्यों लेना चाहता हूँ, ये इकट्ठी की ए एक्स स्क्वायर वो भी सी एक्स स्क्वायर इकट्ठा किया, एक्स वाली अब इकट्ठी करें फाइव ए एक्स है, आगे ये बी एक्स है, आगे ये फोर सी एक्स है, फोर सी एक्स है, कांस्टेंट जो है ये एक सिक्स ए है, एक थ्री बी है और एक फोर सी है। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस अलेवन है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, पीछे क्या बच गया कॉमन चीज नहीं लिखी जाती ए प्लस सी, यहाँ पे क्या कॉमन है यहाँ पे एक्स कॉमन है, पीछे क्या बच गया फाइव ए बच गया, इधर बच गया बी, इधर बच गया फोर सी, कांस्टेंट उसी तरह आएंगे फोर सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस फोर सी। अब मैं बताता हूँ क्यों मैंने कोएफिशिएंट कंपेयर किए हैं, कौन कौन सी वैल्यू आई थी, एक आया था हमारे पास बी, एक आया सी, अब हमें एक रह गया ए, क्या ए इसमें नहीं आ रहा, ए प्लस सी आ रहा है यानी ए आ रहा है। अब मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे आके आपने कंपेयरिंग करना है किसको, कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए जमा सी, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वन जिसका कोई नहीं होता वन, यानी ये वन ये इसके इक्वल है ए प्लस सी के, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के इक्वल है, ये एक्स का कोएफिशिएंट जो है इस एक्स के सेवन के इक्वल है, यहां से भी ये निकाल सकता हूँ लेकिन ये इजी है,
कैसे जी है, ये प्लस सी है, इधर आगे माइनस सी हो गया, तो सी की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, ये सी की वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस वन, सी की वैल्यू आ गई माइनस वन, ये माइनस वैसे का वैसा, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन और प्लस वन, ये आपका आंसर आ गया टू, ये की वैल्यू क्या आ गई टू, ये कहाँ पर पुट करनी है, जो आपका असल क्वेश्चन था, ये इधर आके वैल्यू पुट कर दें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसे फर्स्ट एक्सरसाइज आती है 4.1 वो ये कर सकता है, सिर्फ एक नई चीज आई है वो आपको बता दी है, नाम कैसे देने हैं, नाम देने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आई है टू, नीचे उसी तरह एक्स प्लस टू आ गया, ठीक है, आगे क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, बी की वैल्यू है वन, इधर वन पुट काट दें, वन आ गई, तो नीचे नीचे क्या है, नीचे है, नीचे है एक्स प्लस टू का स्क्वायर, अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन, सी की वैल्यू है माइनस वन, ये देखें ना ये प्लस है, तो ये माइनस उसका जो साइन क्या है वो प्लस माइनस माइनस कर दे रहा है, माइनस कर दिया उसने, ये आपका क्या आंसर है, ठीक है, इस तरह ये आपने क्वेश्चन नंबर टू किया, दोबारा देख लें, ये अगर लीनियर की पावर टू हो कैसे लिखते हैं, पहले एक पावर लिखते हैं, ये समझ लें ये वन पावर लिखी गई थी, फिर आगे एक पावर टू, अगर थ्री होती तो फिर सी लिखता उधर, वो पावर लिखता एक्स प्लस टू की पावर थ्री, तो ये लीनियर है, लीनियर का वैसा नाम दे दिया, या ऐसे भी कर सकते थे एक्स प्लस टू की पावर टू इधर लिख देता वन, फिर भी आंसर सही आएगा, ठीक है, फिर ये अगर ये आगे पीछे हो सकते थे, अगर ये देखें, अगर ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, ये पहले लिख दिया, इससे क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होता, पीछे हो सकता है, ये पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, आप कहें सर ये इस तरतीब के साथ नहीं, क्योंकि 2 प्लस 3 माइनस 4, एक बच्चा इसे लिखता है माइनस 4 प्लस 3 प्लस 2, एक बच्चा लिखता है 3 प्लस 2 माइनस 4, सबको हल करें, सबका आंसर सेम है, तो इसका मतलब तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह की, ठीक है, तो ये सबके आंसर सेम आएंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये कैसे सिंप्लीफाई करना है, अब आप ये देखें एक्स के जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बनेगा, एक्स की पावर 3 बनेगी, ऊपर तो 4 है, हमें तो नीचे ग्रेटर चाहिए होती है, जब ग्रेटर हो फिर ही हमने नाम देने होते हैं, ए बी सी जो भी आप नाम देते हैं, इसका मतलब ये है, अब मैं इसे अभी सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, यानी डायरेक्टली नाम दे के सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, बल्कि क्या करूँगा, पहले मैं इसे डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने के लिए पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, एक्स के जब माइनस वन के साथ एक्स स्क्वायर, ये देखिए पावर कम है ऊपर ग्रेटर है, डिवाइड कर दें, या सेम भी हो फिर भी हमने डिवाइड करना होता है, ये आ गई एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की 4 बनेगी, यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि एक्स की 3 जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 बने, क्या एक्स नहीं रखूँगा, तो फिर ये देखें एक्स एक ये जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितनी पावर देगा 4, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है सेकंड वाले के साथ भी होगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स का क्यूब साथ माइनस है, एक्स एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स का क्यूब साथ माइनस, तो एक्स का क्यूब तो इधर नहीं, फिर साइड पर लिख देता हूँ एक्स का क्यूब माइनस में, तो आपको पता है बाद में साइन भी चेंज होता है, ये प्लस है ये माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, कैंसिल, तो आप पहले ये लिख लेता हूँ, प्लस नीचे वाला साइन यूज होगा, एक्स क्यूब प्लस वन, अभी भी ये सेम है, मैंने बताया है नीचे वाली ग्रेटर होनी चाहिए, फिर अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, ये पावर ये सेम हो जाए, ये तो पहले सेम है, जब पहले सेम हो तो फिर प्लस वन रखते हैं, प्लस वन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसी तरह आ गया एक्स क्यूब, तो वन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर नहीं है, फिर साइड पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करें, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, कैंसिल, पहले ये लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या अब ये लेस नहीं होगी, लेस होगी, अब क्लॉक वाइज लिख दें, एक्स की 4 प्लस वन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी इसकी जगह क्या आ रहा है, डिवाइड करके ये आ रहा है, क्लॉक वाइज लिखने लगा हूं, एक्स प्लस वन एक ये आगे, फिर प्लस, फिर ये लिखते होते हैं क्लॉक वाइज, पहले ये प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे ये ही लिखते हैं जो डिवाइड करता होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसे क्यूजन वन कहते हैं, ये क्यों डिवाइड किया, ये नीचे एक ग्रेटर पावर करना चाहता था ऊपर लेस, अब ये होगी है, इसका मतलब ये है कि अब पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इसी की हो सकती है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है ही नहीं,
इसकी इसका हम आंसर निकालते हैं, यहां पे आके आपने पुट कर देना, वही आपका आंसर होगा। अब इसे आपने सिंपलीफाई करना है, तो जो आंसर है यहां पे आके पुट कर देना बस। तो नाम तो तब तक दे ही नहीं सकता जब तक फैक्टर ना हो, तो इसके नीचे फैक्टर होने चाहिए थे। फैक्टर क्या ये पहली फैक्टर फॉर्म में नहीं था, ये हमने तो खुद मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लेके आए। दोबारा मैं वही लिख देता हूँ इसकी जगह एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब मैं इसे सिंपलीफाई कर लेता हूँ, है तो दोनों इक्वल, लेकिन हमें फैक्टर फॉर्म चाहिए थी। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये कैसे नाम देते हैं, पहले नाम ए, ए के नीचे ये एक्स लिख दिया, ठीक है। अब एक पावर कम लिखी है, यानी वन लिखी है, आगे टू लिख देते हैं, बी के नीचे एक्स के लिख देते हैं, ये लीनियर है, इसका नाम सी रख देते हैं एक्स माइनस वन। ये आपको पता है ए बी सी का यहाँ से आंसर निकालना है, कैसे निकलेगा उसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ती है। कैसे बनती है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यही एलसीएम है डिनोमिनेटर, एलसीएम जो यही होगा, यही डिनोमिनेटर होगा, जब मल्टीप्लाई होगा ये आपस में कैंसिल, ऊपर वाला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये एलसीएम है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करें, ये एक पावर इसके साथ कैंसिल, एक्स बचा है इंटू एक्स माइनस वन, एक साथ आएगा एक्स एक्स माइनस वन। बी के साथ कौन आएगा, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर ये आएगा एक्स माइनस वन। सी के साथ कौन आएगा, एक्स माइनस वन कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर आएगा। ये बन गई इक्वेशन टू, ये वैल्यूज निकालने के लिए होती है। अब कैसे वैल्यूज निकालनी है ये मैं आपको बताता हूँ। लीनियर फैक्टर कौन से हैं, एक ये लीनियर है, एक ये लीनियर है, जिसकी पावर नहीं वो लीनियर है, वो वैल्यूज पुट करें आपको आंसर देंगे। जैसे ये पहले मैं पुट करता हूँ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये है पहले जीरो की इक्वल है। इधर ये पुट करता हूँ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आगे वन, वैल्यूज पुट करें, जहाँ पे एक्स पहले जीरो पुट करें, जीरो का स्क्वायर प्लस वन आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स पुट करता हूँ तो ये जीरो देगा, जीरो एक सा मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये पूरा का पूरा पोर्शन जीरो। यहाँ पे एक्स पुट करें जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, ये मल्टीप्लाई होगा जीरो, यानी ए वाला हिस्सा और सी वाला हिस्सा जीरो है। बी में पुट करते हैं, बी में पुट करें एक्स की जगह जीरो, आगे माइनस वन है, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो वन में ऐड किए तो वन ही आएगा। जीरो ना भी लिखें कुछ नहीं होता, ये फिर आ गया भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो ना भी लिखें तो फिर बी, तो ये जीरो माइनस वन क्या होगा, माइनस वन होगा, तो बी आ गया, बी वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी आ गया, साथ माइनस होने के माइनस, ये बी आ गया, ये हमें चाहिए प्लस बी, माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस वन आ गया, यानी यहाँ सिंपल ये समझ लीजिए माइनस वन इधर मैंने शिफ्ट कर दिया। ये भी पुट करें, ये आपके पास इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू पुट करें वन, वन का स्क्वायर, वन का क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है, वन का हम स्क्वायर पुट करते हैं। उसके बाद वन उसी तरह, अब ये प्लस वन है, जहां माइनस वन नजर आएगा वहां पे पुट करेंगे जीरो, ये जीरो देगा, ये भी माइनस वन है ये जीरो देगा, यहां पे पुट करते हैं एक्स की जगह वन, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, ये भी आगे वन है, ये उसी तरह आ गया, वन का स्क्वायर वन, वन सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वन प्लस वन टू आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गई टू। अब मसला ये है, ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता, और ये है भी किस फॉर्म में है, स्क्वायर में है, तो फिर क्या करते हैं, बताया हुआ है कि यहाँ पे आगे ना असल इक्वेशन में कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ये एक नई चीज आपको मिल गई है, जहाँ स्क्वायर हो वहां पे हमने क्या करना होता है, फिर दोबारा इसी इक्वेशन में आके कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ये मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या है, ए एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए एक्स आएगा, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स आएगा, बी माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी आएगा, आगे सी एक्स उसी तरह, सी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपस में करीब लिख लें, जब करीब लिखने थे क्या कॉमन आना था, एक्स स्क्वायर कॉमन आना था, करीब लिखा तो एक्स स्क्वायर कॉमन, तो पीछे क्या बच गया ए, इधर से क्या आ गया सी, डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। अब क्या है, एक्स जब हमने कॉमन लेना था, इधर से बी, इधर से क्या माइनस ए, माइनस ए प्लस बी, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या माइनस बी, उसी तरह लिखते। अब किसकी वैल्यू चाहिए,
एक बी की है, एक सी की है, ए की वैल्यू नहीं, ए तो इधर आ रहा है। मैं से करता हूँ कंपेयरिंग कर लेता हूँ, कंपेयरिंग कर लेता हूँ कोएफिशिएंट को ऑफ एक्स स्क्वायर के। इधर एक्स स्क्वायर है ए प्लस सी, इधर है जिसका कोई ना हो उसका वन होता है। अगर एक्स स्क्वायर मौजूद हो फिर वन होता है, अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो फिर जीरो होगा। ये आ गया वन। ए की वैल्यू चाहिए, सी उधर जाके क्या होगा माइनस होगा वन, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है टू है, तो ए यहां से क्या आ गया ये माइनस वन आ गया, ए क्या आ गया माइनस वन। ये सारी के सारी वैल्यूज आपने कहां पे पुट करनी है, यहां पे पुट करनी है। अब जगह कम होने की वजह से ये नीचे करना था, मैं ऐसे करता हूं, इधर आपको बता देता हूं। ये एक्स स्क्वायर था प्लस वन था, एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस वन है, एक वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस वन, माइनस वन साथ एक्स आ रहा है। बी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, बी की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस वन। ये देखें इधर माइनस वन प्लस माइनस, फिर माइनस होने से माइनस, ये देखें ए की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू भी क्या है माइनस वन, प्लस माइनस माइनस वन, नीचे एक्स की है। सी की वैल्यू हमारे पास है टू, सी की वैल्यू है टू प्लस टू प्लस। मसला ये है, आपने ये आंसर निकाला अभी तक, यही आंसर निकाला है ना, लेकिन ये किधर पुट करना था, असल में ये इधर पुट करना था, असल ये क्वेश्चन है। अभी तो इसे आपने इसका आंसर निकाला, ए बी सी की वैल्यू निकाली, लेकिन इधर आके असल पुट करें, ये आपके असल क्वेश्चन है। इधर मैं आके इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, बताता हूँ, ये आपकी असल क्वेश्चन है, ये आपकी असल क्वेश्चन है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। ये आपकी असल क्वेश्चन थी, एक्स की फोर प्लस वन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन है, एक्स प्लस वन है, ये आपकी असल इक्वेशन है। एक्स प्लस वन या ब्रैकेट नाम भी लिखें कोई मसला नहीं। आपने इसका आंसर निकाला है, क्या आंसर निकाला है, ये जो ए बी का आंसर था ये उसी का था, ये ए बी का वैल्यू जो निकाली है, ए बी सी की वैल्यू पुट की है, ये उसी का आंसर है। मैं उधर जाके पुट कर दिए मैंने ये वैल्यू उधर जाके पुट कर दी, यही आपका आंसर है। ये अगर आपको नहीं समय लगी, इस तरह के एक दो और क्वेश्चन है उसमें आपको समय लग जाएगी। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो यही मेन क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं बाकी क्वेश्चन की तरफ, जैसे क्वेश्चन नंबर वन पे आए, क्वेश्चन नंबर वन पे जब आप आते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है भाई इसे रिजॉल्व करें, बता चुका हूं एक लीनियर सिंपल है, एक लीनियर की पावर टू है, जिसकी पावर टू है। सबसे पहले तो ये देखना है क्या नीचे वाली पावर ग्रेटर है, जब ये फार्मूला ओपन होना है एक्स स्क्वायर बनना था, जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होनी थी एक्स क्यूब बनना था, एक्स क्यूब ग्रेटर होता है। अब हमने देख लिया अभी पावर नीचे वाली ग्रेटर बन रही है, अब हम नाम दे सकते हैं, इसका नाम दिया ए, एक पावर इधर आ गई, एक पावर आगे चली जाएगी, उसका नाम हम रखेंगे यही टर्म की एक पावर आगे चली जाएगी, ठीक है। ये आगे ये लीनियर उसी तरह सी, ये पहला जो क्वेश्चन नंबर टू किया है वो उसी फॉर्म में ये दिया गया। आगे इसके बाद हम एक इक्वेशन बनाते थे जहां से हमने आंसर निकालना था, तो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया, यही एलसीएम था, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली उसी तरह आई, ये एलसीएम जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना था एक्स माइनस वन एक पावर के साथ कैंसिल, तो एक बची हुई है, एक्स माइनस वन आएगी, एक्स प्लस टू आएगा, ठीक है, यानी एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन ये आएंगे। बी वाली के साथ देखें, ये पूरा का पूरा पोर्शन एलसीएम के साथ कैंसिल होता है, तो आ गया एक्स माइनस टू, इधर आए एक्स माइनस टू कैंसिल होता है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर आएगा होल स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन बनी। तो इस इक्वेशन में तो आसानी के साथ पहले वो वैल्यूज पुट करते हैं जो लीनियर है, ये आपकी लीनियर है, ये भी आपकी लीनियर है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x के आंसर निकाला तो ये उधर जाके प्लस हुआ तो ये x की जगह 1 का स्क्वायर 3 उसी तरह 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो जहां पे ये देखें ये प्लस 1 है, जहां भी माइनस 1 आएगा वो 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 है ये पूरा पोर्शन 0, ये माइनस 1 है ये पूरा पोर्शन 0, तो यहां पे पुट करें 1 माइनस 2, तो ये देखें माइनस 2 से 1 निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आ गया, 0 ना भी लिखें आप, तो इधर क्या 1 का स्केयर 1 है, 3 1 टाइम 3 प्लस 1, ये देखें माइनस 3 में से 1 निकालेंगे माइनस 2, माइनस 2 में से फिर 1 निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1, तो ये नीचे माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर डिवाइड, माइनस माइनस आपस में कैंसिल तो 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 नहीं होता है,
अब ये भी एक लीनियर है, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू उधर जाके प्लस टू पुट करें इस इक्वेशन में, एक्स की जगह टू का स्क्वायर, थ्री के साथ एक्स है टू उधर वैल्यू पुट की। अब ये प्लस टू जहां हमें माइनस टू आया वो पोर्शन जीरो, माइनस टू ये जीरो, ये भी जीरो, अब इधर पुट करें क्या पुट करेंगे, टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो टू में से वन माइनस किया तो वन आएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी आएगा, तो इधर सिंप्लीफाई कर लें, प्लस फोर प्लस वन प्लस फाइव, प्लस फाइव और माइनस सिक्स ये माइनस वन बनेगा। अब इसकी वैल्यू नहीं मैं निकाल सकता जिसका स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसी इक्वेशन पे आएंगे, जिस जहां से भी आंसर जब भी आपने निकालना है इसी इक्वेशन पे आना, इस इक्वेशन पे आगे मैं कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं, उसी तरह ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस टू, प्लस टू, ठीक है, बी एक्स के साथ बी एक्स, बी टू के साथ माइनस माइनस टू बी, ये फार्मूला ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस टू फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई होगी, एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स आएगा, टू फार्मूले का साथ उसी तरह आएगा माइनस टू फार्मूले का, ए एक्स स्क्वायर ये देखें माइनस एक्स और माइनस टू एक्स बनने थे माइनस थ्री एक्स, ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस थ्री एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है फिर बनेगा माइनस थ्री ए एक्स, तो ए जब टू के साथ मल्टीप्लाई होगा टू ए, बी एक्स के साथ बी एक्स, बी टू के साथ माइनस ये आ गया, सी एक्स स्क्वायर सी वन के साथ सी आ गया, सी इसके साथ टू सी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर वाली आपस में करीब लिख लें क्योंकि आपने कॉमन लेना है, ये लिख ली, एक्स वाली आपस में करीब लिख लें, एक ये है एक बी एक्स वाली है, तो एक है माइनस टू सी एक्स है, कांस्टेंट बाद में लिख लें, ये कांस्टेंट ये लिख लें जो भी कांस्टेंट बने, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन है, पीछे क्या बच गया ए प्लस सी बच गया, ए प्लस सी बच गया, अब एक्स कॉमन लिया पीछे क्या, एक्स कॉमन लिया तो साथ क्या है माइनस थ्री ए है, इधर से आ गया बी आ गया, इधर से आ गया माइनस टू सी, माइनस टू सी आ गया, क्योंकि एक्स कॉमन लिया तो एक्स नहीं अब लिखा जाएगा, ये कांस्टेंट वैसे ही वैसे ही आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बी भी है सी भी है ए चाहिए, तो ए इस पोर्शन में नहीं आ रहा, मैं से करता हूं मैं कंपेयरिंग कर लेता हूं कोएफिशिएंट को ऑफ एक्स स्क्वायर के, इधर एक्स स्क्वायर क्या है ए प्लस सी, इधर क्या है वन है, यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू वन, हमें वैल्यू चाहिए ए की, सी प्लस हो रहा है इधर आगे माइनस होगा वन माइनस सी, वन माइनस सी वन, उसी तरह माइनस उसी तरह सी की वैल्यू यहां से पुट करें माइनस वन, क्या आएगी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन और प्लस वन प्लस टू होगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है टू। अब कहां पे पुट करनी है, यहां पे ए की जगह टू पुट कर दिया, ठीक है, बी की जगह हम पुट करेंगे वन, सी की जगह पुट करेंगे माइनस वन, ये देख लें ये ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की, यही आपका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, बिल्कुल इजी है, नीचे डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर है, अब डायरेक्टली हम नाम दे सकते हैं, अगर ये पहले आ गए तो इसे लिख दें ए, अब ये है जिसकी पावर टू होगी उसे उसे लिखने का यही तरीका है, ये बी नाम दे के ना इसकी पावर पहले कम लिखेंगे, फिर अगले स्टेप पे क्या होगा इसकी पावर ग्रेटर लिखी जाएगी, यानी पहली टर्म में अगर लीनियर आती है लीनियर लिखते हैं, जहां भी पावर टू आएगी तरतीब के साथ लिखना है, पहले इसकी पावर कम फिर आगे उसी उसकी पावर जितनी भी होगी वहां तक आप लिखेंगे, ये अगर थ्री होती ये आगे एक और डी बना देना था, यानी एक्स प्लस टू की पावर थ्री बन जानी थी, ये बन गया भाई, बिल्कुल इजी है, एलसीएम लिया, एलसीएम ये बना था ये डिनोमिनेटर वाला, ये इसके साथ कैंसिल नाइन आ गया, जब ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स प्लस वन इसके साथ कैंसिल, ये आ गया, जब ये एक पावर के साथ कैंसिल होगा तो एक बची है एक्स प्लस टू और साथ ये भी बची है एक्स माइनस वन, सी वाले के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा, ये आ गया। असल में ये इसके साथ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही एलसीएम है ना, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने इसलिए बार बार नहीं वो उस तरह करवा रहा, क्योंकि आपको अब पता है ये क्या हो रहा है, ये आपने 4.1 में देख चुके हैं आप, ये इक्वेशन बनी है, तो लीनियर तो आप पुट कर सकते हैं, ये लीनियर है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन उधर जाकर प्लस वन पुट करें, नाइन तो उसी तरह आ गया क्योंकि इधर एक्स है नहीं, तो यहाँ आप पुट करें
वन एक्स की जगह वन प्लस टू का स्केयर, ये प्लस वन है जहां माइनस वन आया वो पोर्शन जीरो, ये पूरा पूरा जीरो, ये भी पोर्शन जीरो। प्लस वन प्लस थ्री का स्केयर, थ्री का स्केयर नाइन होता है, नाइन नीचे आकर डिवाइड हुआ इस नाइन के, ये कैंसिल हो गए तो वन आ गया। अब ये पुट करें, ये x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से प्लस टू है उधर जाके माइनस टू होगा, x की वैल्यू माइनस टू बन रही है। इधर पुट करें नाइन उसी तरह, अब माइनस टू है, जहाँ भी प्लस टू मिलेगा वो पोर्शन जीरो कर दे, प्लस टू है जीरो, प्लस टू है ये जीरो। इधर पुट करें x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, माइनस टू, आगे माइनस वन उसी तरह, माइनस थ्री बन गए, सी के साथ बन गया माइनस थ्री, माइनस थ्री सी, ये नीचे आगे डिवाइड होगा, थ्री थ्री टाइम क्या होगा नाइन, साथ माइनस है माइनस थ्री। अब रह गई है इसकी वैल्यू, ये नहीं निकाल सकते हम, जिसकी पावर टू होगी हम नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें इसी इक्वेशन पे आके कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। नाइन उसी तरह फार्मूला ओपन करें, एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का, पहली और दूसरी आपस में मल्टीप्लाई होंगी टू एक्स, ये बी उसी तरह, ये x इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ टू एक्स, अब माइनस वन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स, माइनस वन टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस टू, सी एक्स के साथ सी एक्स, सी वन के साथ, तो उसी तरह आगे सी। ए एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर बनना था, फोर ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ फोर ए, टू टू टाइम फोर बना फोर एक्स बना, फोर एक्स एक साथ मल्टीप्लाई हुआ फोर ए एक्स बना। इधर आप बी वाली देखें, बी एक्स स्क्वायर, ये देखें 2x में से एक x निकाला तो x ही आ गया ना, प्लस का x आ गया, प्लस का x आ गया, यानी ये 2x माइनस x क्या बनना था, x आ गया, तो x b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स बन गया, ये दोनों को इकट्ठा करके ना क्या बना था, x, x b के साथ मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स, अब ये माइनस टू बी के साथ माइनस टू बी सी एक्स माइनस सी। एक्स स्क्वायर वाले करीब लिखें, एक ये है एक ये एक्स स्क्वायर, ये आपस में इकट्ठे काट लें, ये x वाली आगे x वाली ये करीब लिख लें, आगे ये भी है ये भी करीब लिख लें, कांस्टेंट एक ये है एक ये है एक ये है, ये कांस्टेंट लिख ले। अब ये एक्स स्क्वायर कॉमन है, जो कॉमन लेते हैं वो लिखा नहीं जाता, आगे पीछे ये लिखेंगे a प्लस बी, एक्स कॉमन है ये अब नहीं लिखेंगे, पीछे क्या बच गया फोर ए प्लस बी प्लस सी, कांस्टेंट उसी तरह। अब किसकी वैल्यू चाहिए, a की निकाल ली, c की निकाल ली, अब चाहिए b की, क्या एक्स स्क्वायर के साथ जो बी बी नहीं आ रहा, आ रहे हैं, मैं कंपेयर करता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मसला ये है कि इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब मैं कहता हूँ मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, उसे आप क्या मुराद लेती हैं, क्या मीनिंग लेते हैं आप, ये कहते हैं वो जीरो है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर कंपेयर करता हूँ, आपने कहा है यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर ना होने से क्या मुराद ले रहे हैं, उसका कोएफिशिएंट जीरो है, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो बन गया, इसका मतलब ये है इसका कोएफिशिएंट है, इसका नहीं है, इसका ना होने से मुराद है इसका जीरो है। अपने ये ना भी ना लिखें फिर भी आप डायरेक्टली कह सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी वो नहीं है इसका मतलब वो जीरो है, क्या है वो जीरो है, ये जीरो के इक्वल। किसकी वैल्यू चाहिए, बी की, तो ए क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, जीरो में से जाके क्या होगा माइनस होगा, ये आप स्टेप नीचे काट लें या इस तरह लिख लें ये साइन यूज करके इम्प्लाइज डैट, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वन, पुट कर दें वन, इधर वन पुट कर दिया तो जीरो माइनस वन क्या होगा, माइनस वन ही बनेगा, बी का आंसर क्या आ गया माइनस वन, तो वैल्यूज पुट कर दें, ए की वैल्यू वन पुट करें, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन पुट करें, सी की वैल्यू माइनस थ्री पुट करें, वन माइनस वन माइनस थ्री, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, बिल्कुल ईजी है, नीचे ये एक्स है, जब ये ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, तो ग्रेटर है ये पता चल गया, अभी पावर ग्रेटर है। अब हम नाम दे सकते हैं, लीनियर पहले आ गई, इसका नाम ए दे दें, इसका नाम बी रखें, फिर एक पावर आगे जाएगी तो ये वन पावर इधर आ गई, टू इधर आ गई, ये सी बन गया पीछे वाले सारा का सारा। तो एलसीएम क्या बना, ये एलसीएम होता है हर दफा, एलसीएम डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हुआ, ऊपर वाली उसी तरह आ गई, ये एलसीएम जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, ये एक पावर ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आनी थी x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब b वाले टर्म देखें, ये जो है x प्लस वन एक पावर के साथ कैंसिल हुआ, तो एक तो बची है ना, x प्लस वन एक तो बची है, साथ ये भी है थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स प्लस टू और साथ एक पावर बची हुई इसके साथ आएगी, b के साथ, c के साथ कौन आएगा, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये बची है, ये इसके साथ आएगी, ये हमने इक्वेशन बना ली। इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो लीनियर वाली होती हैं, थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो,
एक्स निकालना चाहते हैं, टू प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस टू बनेगा, थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड होगा। आप ये चेक कर लें, यही बनेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। पुट काट दें जहां पे ये आता है एक्स, एक्स आया माइनस टू बाई थ्री, ये फोर उसी तरह आ गया। यहां पे पुट करें एक्स की जगह माइनस टू बाई थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहां पे ये देखें ना, जहां पे माइनस टू बाई थ्री आ रहा है, जब यहां पे पुट करेंगे यहां पे आपको थ्री मिल रहा है, इसने पूरे पोर्शन को जीरो कर देना है। यहां भी क्या साथ थ्री आ रहा है, ये भी पोर्शन जीरो होगा। अब चेक भी काट लें करना चाहते हैं तो ये बता ही देता हूं यहां पे क्यों नहीं पुट किया। जब एक्स पुट करना था माइनस टू बाई थ्री, साथ क्या है टू है, ये पोर्शन था, ये इसके साथ कैंसल, माइनस टू प्लस टू जीरो बने, ये जीरो बनना था, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होना था जीरो, ये भी उसी तरह बनना था जीरो, इस वजह से वहां वैल्यूज नहीं पुट की। ये यहां पे हम लेते हैं एलसीएम, ए के डिनोमिनेटर नजर आ रहा है वही एलसीएम हो सकता है, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम ऊपर वाला उसी तरह आएगा, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, थ्री वन टाइम थ्री, ये बन गया। थ्री में से टू माइनस किए, माइनस किए तो वन, वन बाय थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है। इधर देख लेते हैं क्या बना था, सेवन टू टाइम फोर्टीन, सात माइनस था माइनस फोर्टीन बाय थ्री प्लस, एक डिनोमिनेटर नजर आ रहा है यही एलसीएम हो सकता है, थ्री एलसीएम है। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम ऊपर वाला उसी तरह आता है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, थ्री फोर टाइम ट्वेल्व, तो ये बनेगा माइनस टू बाय थ्री। ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा नाइन, थ्री थ्री टाइम नाइन, थ्री टू टाइम सिक्स माइनस सिक्स, तो ए वन के साथ मल्टीप्लाई होना था, ए ही आना था, नाइन इधर आकर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब एक ये भी है लीनियर फैक्टर, पुट करें जीरो के इक्वल, ये प्लस वन है, इधर आकर माइनस वन, जहां पे एक्स आता है वहां पे माइनस वन पुट करें, ये उसी तरह पुट किया। अब ये माइनस वन है, जहां पे प्लस वन होगा उधर नहीं पुट कर सकते, वो पोर्शन जीरो, प्लस वन आ रहा है ये पोर्शन जीरो, अब यहां पे पुट कर सकते हैं, थ्री एक्स की जगह माइनस वन प्लस टू, थ्री वन टाइम थ्री, साथ माइनस है माइनस थ्री प्लस टू प्लस टू, तो ये जब माइनस होगा तो माइनस वन बना, तो सी वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सी साथ माइनस, मैं सीधा करके लिख लिया, इम्प्लाइज डैट माइनस सी बना था, ये माइनस 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 के साथ कैंसर, सी इज इक्वल टू थ्री। इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बार बार कह रहा हूं, इसके लिए इसी इक्वेशन पे आके कोएफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे। ये उसी तरह फार्मूला ओपन किया, एक्स स्क्वायर, ये दूसरी टर्म का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस टू फार्मूले का, पहली दूसरी मल्टीप्लाई हुई एक्स वन के साथ, एक्स आ गया, मल्टीप्लाई करें एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स का स्क्वायर, एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई होगा टू एक्स, अब वन थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स, टू वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू आएगा, ठीक है, थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा थ्री सी एक्स आएगा, सी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा टू सी आएगा, ए एक्स स्क्वायर ए टू ए एक्स, थ्री बी एक्स स्क्वायर, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू बी एक्स, जब इसके साथ ये इकट्ठा ना काट लें, चलिए करना इकट्ठा चाहिए था, चलिए अलग अलग काट दिया, ये इसके साथ टू, ये थ्री के साथ थ्री बी एक्स, ये टू के साथ टू बी, ये उसी तरह एक ग्लास पानी। अच्छा ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर के साथ ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी इसके करीब लिख लेते हैं, ये उसी तरह एक्स वाली आगे एक्स वाली ये मौजूद है, टू बी एक्स है थ्री बी एक्स है, ये आगे उसी तरह आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ए प्लस थ्री बी उसी तरह, एक्स कॉमन है पीछे बच गया भाई टू ए बच गया, अच्छा इधर बचना था 2b और 3b, इकट्ठा मैं करता हूँ क्योंकि ये ऊपर ही कर देना चाहिए था, अच्छा 2b है x तो कॉमन लिया, ये आ गया 2a, इधर अंदर आना है 2b प्लस 3b, 2b प्लस 3b 5b, तो आगे ये x इधर से भी कॉमन लिया तो 3c आ गया, 3c आ गया 3c, इधर है कांस्टेंट कौन सी टर्म आ रही है, ये लास्ट पे है a प्लस 2b प्लस 2c। अब देखना किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ए के आगे सी की बी की चाहिए, बी इसके साथ नहीं आ रहा एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट, इधर क्या है कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर जीरो है, ना होने से मुराद क्या है जीरो है, तो इसका मतलब मैं कंपेयरिंग करता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो ये आ गया ए प्लस थ्री बी आ गया, तो इधर क्या जीरो है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, बी की वैल्यू चाहिए,
तो ये क्या हो रहा है, प्लस ही हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, जीरो में से माइनस होगा। इंप्लाइज डैट थ्री बी, ये ए उधर जीरो में से जाके माइनस हुआ, तो ए की वैल्यू पुट करें माइनस सिक्स, थ्री बी उसी तरह आ गया, जीरो उसी तरह आ गया, माइनस उसी तरह आ गया, ए की वैल्यू पुट की माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस सिक्स, प्लस सिक्स और जीरो प्लस सिक्स ही आएगा, प्लस सिक्स ही आएगा, ये मैंने लिख दिया। थ्री बी इज इक्वल टू सिक्स, हमें बी की वैल्यू चाहिए थ्री, नीचे जाकर डिवाइड टू आएगा, बी की वैल्यू ये। अब उधर जाकर वैल्यूज पुट करें, ये इधर वैल्यूज क्या आ रही हैं, ए की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स, ये उधर माइनस सिक्स पुट करें, सी की वैल्यू इधर थ्री पुट करें, बी की जगह वैल्यू पुट होगी ये टू, ये देखें टू वैल्यू, ये सी की, ये आपका क्या आंसर है। क्वेश्चन सिक्स देखें, सेम उसी तरह का, पहले का नाम ए दे दिया, ये पावर वाली पहले आ गई है, पावर वन इधर पावर टू इधर, बी नाम दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। अब चाहें तो पहले लीनियर को लिख सकती हैं ए, फिर बी से सी, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन गई भाई इक्वेशन वन, आंसर निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, यही एलसीएम था, ऊपर वन आ गया, ए के साथ कौन सी आएगी, एक पावर इसके साथ कैंसिल, एक्स माइनस वन एक्स प्लस ये आ गए, बी के साथ क्या आएगी, ये इसके साथ कैंसिल तो ये आ गए, सी के साथ कौन आएगा, इसके साथ कैंसिल तो ये आ गए। तो लीनियर आप पुट कर सकते हैं, एक्स माइनस वन पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स निकलेगा माइनस वन था, उधर जाकर प्लस वन पुट कर दें, ये वन उसी तरह आ गया, जहाँ भी माइनस वन आपको मिलेगा ये प्लस वन और माइनस वन जीरो होगा, ये माइनस वन इसका मतलब ये पोर्शन जीरो, ये माइनस वन इसका मतलब ये पोर्शन जीरो, बी में पुट करें, एक्स की जगह वन प्लस वन, वन प्लस वन टू, टू बी, तो इधर क्या वन नीचे जाकर डिवाइड हो गया। एक लीनियर फैक्टर ये है x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये प्लस वन उधर जाकर माइनस वन पुट काट दें यहाँ पे, ये वन है, अब ये माइनस वन है, जहां पे आपको प्लस वन दिखेगा वो पोर्शन जीरो हो जाएगा, प्लस वन दिख रहा है ये पोर्शन जीरो, प्लस वन दिख रहा है ये पोर्शन जीरो, यहाँ पे पुट करें x की जगह माइनस वन, आगे माइनस वन उसी तरह ऊपर स्केयर था, माइनस वन माइनस वन माइनस टू का स्केयर, माइनस टू का स्केयर प्लस फोर होता है, प्लस फोर सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फोर सी आ गया, नीचे डिवाइड होके वन बाय फोर सी आ गया। इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको पता है इसी इक्वेशन पे आती हैं, कोएफिशिएंट को कंपेयर करती हैं, तो ये वन उसी तरह, क्या ये फार्मूला नहीं बन रहा ए जमा बी ए माइनस बी, तो क्या होता था ये माइनस वाली के अलग अलग क्या लेते हैं स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर, फार्मूले क्लोज कर दिए। अब ये आए बी एक्स बी वन के साथ, तो बी आ गया, तो ये उसी तरह ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, वन का स्केयर वन ही होता है, माइनस टू फार्मूले का पहली दूसरी मल्टीप्लाई हुई तो एक्स आ गई, ए एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए एक्स स्केयर, वन का स्केयर वन ही होता है, वन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा, ये माइनस उसी तरह बी एक्स बी उसी तरह, सी एक्स स्केयर सी आ गया, माइनस टू सी एक्स आ गया, एक्स स्केयर वाली करीब लिख लेते हैं, एक्स वाली आपस में करीब लिखते हैं, एक ये है कांस्टेंट लास्ट पे लिख ली, माइनस ए बी ये लास्ट पे सी भी था, एक्स स्क्वायर कॉमन है पीछे बच गया ए प्लस सी बच गया, ए प्लस सी बच गया, इधर से एक्स कॉमन है पीछे क्या बच गया बी बच गया, माइनस टू सी बच गया, कांस्टेंट उसी तरह आ गया। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एक ए नहीं मिल रहा, ए इसमें नहीं आ रहा, जैसे करते हैं कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, आप एक्स स्क्वायर के साथ, इधर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ना होने से क्या मुराद है जीरो है, मैं कह देता हूँ ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हमें वैल्यू चाहिए ए की, सी प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस होगा, ये स्टेप आप नीचे काट लिया करें, मेरे पास जगह कम होती है इस वजह से मैं आगे काट लेता हूँ, ए जीरो में से सी माइनस हुआ, सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जीरो उसी तरह, तो सी की वैल्यू हमारे पास है वन बाय फोर, वन बाय फोर साथ अब क्या आगे माइनस माइनस वन बाय फोर, जीरो ना भी लिखें उसी तरह आएगा, ठीक है, ये पुट कर दें, ए की वैल्यू आई है माइनस वन बाय फोर, ये देखें ए की वैल्यू आई है माइनस, ये माइनस लिखेंगे वन बाय फोर, लेकिन फोर इस तरह नहीं लिख देना गलत हो जाएगा, आगे जो भी टर्म आती है उसे ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि फोर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। उसके बाद है बी, बी है वन बाय टू, वन ऊपर आ गया टू नीचे आ गया, वन बाय टू ये पावर टू थी सॉरी, अच्छा सी आ गया, सी क्या आ रहा है वन बाय फोर, वन बाय फोर फोर नीचे आ गया, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है ये आपका आंसर है, ये पार्ट नंबर सिक्स था। उसके बाद
ये देख लें, फिर पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर बात की जाए इसकी, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो फार्मूला नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये ओपन भी हो जाता है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो मैंने यही किया है, इसे मैंने ओपन कर दिया, दो दफ़ा लिख लिया ये फार्मूला ओपन कर। अच्छा ये देखें, एक्स माइनस वन तो उसी तरह, लेकिन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन दो दफ़ा आए हैं, क्या मैं एक दफ़ा लिख के पावर टू लिख सकता हूँ, ये टू टाइम आए हैं, लिख सकता हूँ। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, कैसे, लीनियर फैक्टर का नाम ये, इसका नाम बी, इसकी पावर कम, ये इस तरह भी काट सकती हैं कि पहले इधर पावर वन लिख दिया करें, फिर इधर पावर टू लिख दिया करें, या ऐसे भी लिख सकते हैं पावर टू फिर पावर वन, दोनों स्टाइल से आप काट सकती हैं। मैंने दोनों स्टाइल से किया है आपको बताने के लिए, कुछ में ये किया है पहले पावर टू लिखी है फिर आगे उसकी पावर वन कम कर दी है, कुछ में ऐसे किया है पहले मैंने वन लिख दी है फिर मैंने आगे टू लिख दिया, बताने के लिए कि किसी भी तरीके से आप करें आपका आंसर दुरुस्त होगा। लीनियर फैक्टर पहले नाम दे लें या इसका बाद में दे लें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एलसीएम लेते होते हैं, एलसीएम जब लेंगे ये कैंसिल होएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला वन उसी तरह आएगा, ऊपर वाला वन उसी तरह आएगा, एक साथ कौन आएगा ये कैंसिल, तो ये आएगा, बी के साथ कौन आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये आएगा, सी के साथ कौन आएगा, एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर बची हुई है, साथ ये भी बचा हुआ है, ये आ गया। अब लीनियर फैक्टर कौन से हैं, एक्स माइनस वन है जो कि जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू वन निकाल के यहां पे पुट कर दें, अब प्लस वन है, जहां पे माइनस वन दिखेगा वो पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो, यहां पे वैल्यू पुट करें, ये वन उसी तरह, एक्स की वैल्यू वन पुट करें, वन प्लस वन का स्क्वेयर टू का स्क्वेयर फोर बना, फोर नीचे जाकर डिवाइड हो गया। लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये उधर जाकर माइनस वन, जहां पे प्लस वन दिखेगा ये माइनस वन क्या कर देगा जीरो, ये प्लस वन है ये पोर्शन जीरो, और प्लस वन क्या है ये इधर है ये भी पोर्शन जीरो, यहां पे वैल्यू पुट करें, एक्स की जगह माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू सत बी या माइनस टू बी नीचे जाकर डिवाइड हुआ, तो ये माइनस टू नीचे जाकर डिवाइड हो गया। अब इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा यहां पे आके, कैसे करेंगे, फार्मूला ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस टू फार्मूले का पहली दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हुई तो ये बना, बी एक्स बी वन के साथ माइनस बी, तो ये फार्मूला क्लोज कर दें, ये दोनों आ रही हैं, ये ऐसे करते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर फार्मूला, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू ए एक्स, ये मल्टीप्लाई आपको करना आता है, बी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस सी, एक्स स्क्वायर करीब लिखी मैं अब डायरेक्ट स्टेप करता हूँ, एक्स स्क्वायर काम लिया, इधर सी आ गया, इधर से सी आ गया, अब प्लस डाला, ये एक्स वाली एक ये टर्म है एक ये टर्म है, एक्स काम लिया तो इधर से टू ए आ गया, इधर से बी आ गया, कॉन्स्टेंट कौन सी है ए माइनस बी माइनस सी, ये डायरेक्ट किया मैंने, एक वैल्यू है बी की वैल्यू है सी की नहीं है, सी यहां नहीं आ रहा, कंपेयर कर ले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो यहां पे एक्स स्क्वायर क्या जीरो, ए प्लस सी फिर किसके इक्वल होगा जीरो के, सी की वैल्यू चाहिए ए इधर आगे माइनस हुआ, ए की वैल्यू पुट कर दें माइनस वन बाय फोर, वन बाय फोर ए के क्या है वन बाय फोर, साथ माइनस है माइनस वन बाय फोर इसका आ गया, पुट कर दें, ए की वैल्यू क्या थी वन बाय फोर, ये वन बाय फोर पुट कर दी, बी की वैल्यू क्या है माइनस होने की वजह से ये आ गया माइनस वन बाय टू, ये आ गया, सी की वैल्यू क्या थी माइनस वन बाय फोर आ गया, ये आपका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये जब आपने फार्मूला ओपन करना था तो एक्स का स्क्वायर बनना था, ऊपर भी क्या एक्स का स्क्वायर, मैंने कहा था नीचे पावर ग्रेटर होनी चाहिए, ये तो इक्वल होगी है, अब क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने के लिए पहले इसे ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई होती है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर फोर, तो पहले इसे लिख लेते हैं टू टू टाइम फोर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स टू का स्क्वायर फोर, अब डिवाइड करना होगा, ऊपर वाली टर्म अंदर रखें इसे बाहर रखें डिवाइड करें, अब यहां पे मैं क्या रखूं जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये टर्म दे, ये देखें ये तो सेम है एक्स स्क्वायर,
थ्री कम है, इसका मतलब थ्री इधर रखता हूँ, थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ थ्री एक्स का स्केयर, फिर थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ट्वेल्व एक्स, थ्री इसके साथ हुआ तो ट्वेल्व आ गया, सिंपल ट्वेल्व। तो ये जिसके नीचे जो आता है वो लिख दिया। साइन चेंज होते हैं, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये पहले प्लस था ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये इसके साथ कैंसिल। तो नीचे वाला साइन यूज होगा, 15 में से 12 माइनस किए 3x, 16 में से 12 माइनस किए तो 4 आ गया। अब क्लॉकवाइज लिखते होते हैं, 3 लिखा प्लस ये टर्म लिखी, नीचे ये डिनोमिनेटर। अब मैंने ये बताया यहाँ पे ये वैल्यू बन गई है, ये क्यों डिवाइड किया, ये चाहता था नीचे वाली पावर ग्रेटर हो। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, जो भी इसका आंसर आई यहाँ पे आगे पुट कर देना, वही आपका आंसर होगा। इसे मैंने बाहर निकाल लिया, ये मैंने इक्वेशन नंबर वन इसलिए रखा है, यहाँ पे मैंने आगे वैल्यूज पुट करनी, इसे मैंने बाहर निकाला। अब नाम तो तब देंगे जब फैक्टर बनेंगे, अब इसका फैक्टर क्या होगा, क्या मैंने इसी को ओपन किया था, ये नहीं बना, ये बना है, दोबारा मैं ये लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेम ही है, इसे फैक्टर बने हुए फैक्टर को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखें मैंने पहले पावर वन लिख दिया, पावर टू बाद में लिख दी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं पहले पावर टू लिखता हूँ फिर पावर वन लिखता हूँ, ये बताने के लिए दोनों से आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, पहले पावर वन फिर पावर टू लिख दी है। तो ए बी का आंसर निकालने के लिए इक्वेशन बनाएं, यही एलसीएम है, इधर जो नजर आ रही है यही एलसीएम है, ये एलसीएम डिनोमिनेटर कैंसिल, तो ये आ गया, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना था एक पावर इसके साथ कैंसिल, तो एक तो है ना, एक तो है, वो आएगी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई होगा, ये बी यही एलसीएम, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना ये सेम कट जाने थे, बी आ गया। तो लीनियर ए की ये फैक्टर पुट करें, इसका तो आंसर निकालें ना, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, प्लस टू इधर आकर माइनस टू, पुट काट दें इस इक्वेशन में, जहां पे x आता है वहां पे पुट काट दें माइनस टू, तो यहां पे पुट नहीं काट सकते, प्लस टू है इस वजह से ये पूरा पोर्शन जीरो, तो यहां पे पुट नहीं काट सकता ये, यानी जीरो बन गया, आगे बी आ गया, आगे क्या आ गया बी, थ्री टू टाइम माइनस सिक्स प्लस फोर, ये इधर बी है, तो इधर क्या बन गया माइनस टू, बी का आंसर आ गया माइनस टू। इसका तो मैं निकाल ही नहीं सकता, इधर आके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए एक्स, ए टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ टू ए, बी उसी तरह कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो करने की जरूरत ही नहीं। अब ये देखें मुझे क्या चाहिए, बी मिल गया ए चाहिए, ए देखें इसमें नहीं आ रहा, एक्स का कोएफिशिएंट है, और कोई एक्स है ही नहीं, अगर होता तो मैं कॉमन ले लेता, ये सिंपल है, मैं कहता हूँ एक्स का कोएफिशिएंट ए है, इधर एक्स का क्या है थ्री है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करता हूं, इधर ए है इधर क्या थ्री, यानी ए इज इक्वल टू थ्री, वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू थ्री है, थ्री बाय ये आ गया, बी की वैल्यू क्या आई हुई है माइनस टू, इधर ये प्लस था इस माइनस की वजह से क्या हुआ माइनस हुआ, माइनस टू नीचे आ, ये तो किसका आंसर निकाला है इसका, लेकिन ये किधर पुट करना था, इधर पुट करना था, यानी असल फॉर्म जो थी असल क्वेश्चन ये था, मैं इसी को लिखता हूँ, ये सारा मैंने उसी तरह लिखा, प्लस थ्री लिखा, ये जो आंसर आया है असल में ये इसका था, इधर आके मैंने पुट कर दिया, ये थ्री प्लस ये इसका जो आंसर है ये है, इधर आके पुट कर दिया, ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया। ये तकरीबन मैंने ऑल पार्ट्स आपको करवा दिए हैं, ये एक एग्जांपल है ये भी देख लें, ये आया पहले मैं लिखता हूँ पावर वन फिर पावर टू फिर ये लीनियर है इसका नाम सी रख दिया, इक्वेशन बनी वन एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम थे, एक साथ कौन आएगा, एक पावर कैंसिल एक बची हुई है साथ ये आएगी, ये इसके साथ कैंसिल तो ये आ गया बी वाली के साथ, इसके साथ क्या आ गई ये आ गई, ये आपको आप पता ही है कैसे आ रही है, लीनियर तो पुट करें जीरो के इक्वल वन आया, वन इधर पुट करते जाएं, ये तो इधर एक्स है ही नहीं, ये प्लस वन है जहां माइनस वन मिलेगा वो पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो इधर पुट करें, ये एक्स पुट कर रहे हैं वन, ये देखें माइनस टू प्लस वन माइनस वन देगा, माइनस वन नीचे जाकर डिवाइड होगा, तो वन के नीचे वन नहीं लिखा जाता है, सिंपल वन ऊपर वाला आएगा, साथ माइनस होने की वजह से माइनस ऊपर चला गया, माइनस वन आ गया, ये लीनियर पुट करें जीरो इक्वल ये माइनस टू उधर जाके प्लस टू होगा, पुट करें अब प्लस टू है जहां माइनस टू नजर आएगा वो पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो, यहां पे पुट करें टू पुट किया टू माइनस वन, टू माइनस वन वन होता है, वन का स्केयर वन नहीं होता है, वन का स्केयर वन और वन सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी आएगा, इधर वन था, अब इसे निकाल सकता, इसके लिए
इसी इक्वेशन पे आएंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये मल्टीप्लाई हुए एक्स एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स टू के साथ माइनस टू एक्स माइनस वन, एक्स के साथ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू बी एक्स माइनस टू बी। ये फार्मूला ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस टू फार्मूले का पहली दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हुई ये बन गई ए एक्स स्क्वायर। ये आपस में ये माइनस टू और माइनस माइनस थ्री एक्स बने, वो माइनस थ्री एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हुए माइनस थ्री ए एक्स, ये टू के साथ टू ए, तो ये उसी तरह आ गया सी एक्स स्क्वायर सी आ गया, ये उसी तरह आ गया सी साथ मल्टीप्लाई हुआ। एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी करें, ये एक्स वाली इकट्ठी करें, एक ये है एक ये है और एक ये है, तीनों कांस्टेंट लास्ट पे लिखें। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो पीछे आ गया ए प्लस सी, इधर से एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया माइनस थ्री ए, बी आ गया माइनस टू सी, कांस्टेंट उसी तरह बी भी मिल गया सी भी मिल गया ए चाहिए, ये ऐसे करते हैं यही कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कंपेयर कर लेते हैं। इधर तो मौजूद नहीं, ना मौजूद होने से मुराद है जीरो है, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हमें चाहिए ए का आंसर सी जाके जीरो में से माइनस होगा, सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वन, वन पुट करेंगे जीरो में से माइनस वन तो ये माइनस वन ही है, पुट काट दें, ये इधर ए की वैल्यू ऊपर पुट करें, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू प्लस वन, यही आपका आंसर है। या मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दी है, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकती हैं, कोशिश किया करें जो भी आप वीडियो देखते हैं आगे उसे शेयर कर दिया करें ताकि हर बच्चा इससे मुस्तफीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।